भोपाल से ही पैकेज, अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर किस तरह किल्लत है, लोग परेशान हैं, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि आने वाले दिनों में कोरोना से लड़ाई और भी कठिन होगी। कठिन इसलिए होगी क्योंकि अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जो डिमांड है अस्पतालों की वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत भी मुसीबत बनी हुई है, कई अस्पताल मरीजों को भर्ती करने की स्थिति में नहीं है, अगर भर्ती करते हैं तो पहले ही कह देते हैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था आप करिए, बेड खाली होने के बाद ही मरीजों को भर्ती कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल वाले हाथ खड़े कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम रुक करेंगे, सहयोगी संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, लगातार खबरें तो हम देख ही रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है, इंजेक्शन की भी किल्लत है, और अब आने वाले दिनों में चुनौती कम नहीं है, क्या है अपडेट्स, क्या इनपुट्स? दीपक, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उससे यही कहा जा सकता है कि हालात बेकाबू की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से बेडों की संख्या कम है, अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की हम देख रहे हैं कि प्लांटों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, आम लोगों की नहीं, ये अस्पतालों के वाहन खड़े हुए हैं जो 2 से 3 किलोमीटर और करीब 8 से 10 घंटे तक उन बाद उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसे में जो मरीज भर्ती हैं उन्हीं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। ऐसे में तमाम अस्पताल जो हैं वो, कई अस्पताल निजी हों या सरकारी, हाथ खड़े कर रहे हैं कि गंभीर बीमारी से जो ग्रसित हैं, जिनके लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको वो नहीं कर रहे हैं भर्ती, और यही आंकड़े भी दिखा रहे हैं दीपक। जो आंकड़े हम देख रहे हैं कि आज 74 मरीजों की मौत हुई है, जबलपुर में सबसे ज़्यादा मरीजों की मौत हुई है, भोपाल की बात करें करीब 5 से 6 मरीजों की मौत यहाँ पर भी हुई है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, तो साफ तौर पर आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से गंभीर बीमारी वाले मरीज हैं उनकी मौतें होना शुरू हो गई हैं, कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो बेकाबू होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार से ही मदद मांगी गई है, और एक इंदौर से एक सेना का जो प्लेन है वो उड़ा है, दो टैंकर्स को लेकर, और जल्द मध्य प्रदेश में सेना की मदद ली गई है ऑक्सीजन लाने के लिए, तो जल्द ऑक्सीजन केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर सेना की मदद से पहुंचाई जाएगी। उसके बाद जो प्लांट हैं वो भी नए तैयार किए जा रहे हैं, और अस्पतालों में और दूसरी व्यवस्थाएँ की जा सकें वो भी कोशिश की जा रही है। दवाइयों की कमी की बात करें तो रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार नए इंजेक्शन जो है इंदौर पहुंच रहे हैं हेलीपैड पर, उसके बाद मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, यदि हम बात करें कि 13,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, और बेडों की संख्या भी बात करें तो सिर्फ 48,000 है, और अभी तक 72 से 75% मरीज जो होम आइसोलेशन में है। लेकिन यदि दीपक, यदि होम आइसोलेशन वाले मरीज, यदि इनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में ये होम आइसोलेशन वाले मरीज यदि अस्पतालों में जाते हैं तो हालात और बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है, उसके बाद अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में होते हैं, यदि उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। लेकिन हालांकि प्रदेश के मुखिया जो है वो काफी चिंतित हैं इन होम आइसोलेशन वाले मरीज को लिए, क्योंकि उनको जो किट है वो भी दी जा रही है, उनकी मॉनिटरिंग भी बराबर तरीके से की जा रही है, जिससे इनकी हालत न बिगड़े और अस्पतालों में उन्हीं मरीजों को जगह दी जाए जो गंभीर रूप से ग्रसित है। तो आने वाले समय में अब देखना होगा कि कुल मिलाकर कह सकते हैं आकर्ष, हालात जो है फिलहाल सुधारने के लिए सरकार जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा, सूझबूझ का परिचय देना होगा, क्रिटिकल होने पर ही अस्पताल पहुंचे, लेकिन दूसरी चुनौती भी बनी है, अस्पताल वाले एडमिट करने को तैयार नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी और इंजेक्शन और दवाओं की कमी बरकरार है। शुक्रिया आकर्ष खबर पर बातचीत करने के लिए।